Hey guys, good morning everyone, good morning. Let's start the show. आज बड़ा interesting story है, ठीक है? We will know something different today in this article. एक बार वीडियो शेयर कर दो, देखो स्टार्ट हो गया है कि नहीं वीडियो. चलिए इस प्रोफाइल को आप सब लोग फॉलो कर लीजिए जिन्होंने नहीं फॉलो किया है. ऑलराइट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं सब लोग. ये टीम नासा कोड है, आप इस कोड को याद रखिए. जैन मंथ में, ठीक है, बहुत डेडिकेटेड पैड कोर्सेस आने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई होने वाली है, ठीक है ना. मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होंगी इसमें, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास तो मैं ऑलरेडी इतनी करा रहा हूँ, समझ गए, तो वो भी आपको करना है. सो बी रेडी फॉर दैट. चलिए, बहुत अच्छा बुक कैब है. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. लास्ट ईयर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बाय द वर्ज हैज रिवील्ड द ट्रामा फेस बाय फेसबुक्स कंटेंट मॉडरेटर. ठीक है, तो फेसबुक के जो कंटेंट मॉडरेटर होते हैं, तो उन बेचारों को जो ट्रामा हुआ था, जो उनको दर्द हुआ था, जो मेंटल प्रॉब्लम्स हुई थी, ठीक है, जो उन्हें दर्द हुआ था, क्योंकि हाँ, जो तो वो क्या है ना कि कंटेंट को मॉडरेट करते हैं, जो लोग क्या क्या पोस्ट करते हैं उन्हें देखना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है. ऑलराइट, दीज आर द पीपल हु वीड अवे द प्रोफेनिटी एंड ग्राफिक इमेजेस दैट वर पोस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म. फेसबुक प्लेटफॉर्म पे ये जो जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं या जो भी मतलब बहुत ही ज़्यादा हेटफुल स्टोरीज आती हैं, उनको डिलीट करना पड़ता है. अब जब तक आप तक कोई चीज़ आती है, उससे पहले वो डिलीट की जाती है. ऑलराइट, चलिए तो बताइए कहानी सब लोग. द रिपोर्ट सेड दैट द हैविंग टू डील विद द बाइल. ओके, बाइल होता है एंगर, गुस्सा, फुल ऑन एंगर. कितना एरर निकाल सकते हो इसमें से? चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. टोटल नंबर ऑफ एरर बताइए. अच्छा अच्छा बुक ऐप है, इस बुक ऐप को लिख लेना. ऑफ कोर्स यू विल गेट द पीडीएफ. आर यू गाइस डन विद द पैराग्राफ? एक बार बता दीजिए. So this is an article, the Hindu article. All right. राकेश सिसोदिया जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राकेश. सो हम इस आर्टिकल को स्टडी करने वाले हैं, और ठीक है, इसमें एरर डिटेक्शन है पहले वाले पैराग्राफ में. तो पैराग्राफ तो एरर्स को डिस्कस करने का ये तरीका है, एक पैराग्राफ में ही एरर डाला जाए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टॉपिक्स का. एक बार वीडियो शेयर करके आ जाइए सब लोग, मैक्सिमम लोगों के साथ में. टोटल कितना है इसमें बताइए, टोटल हाउ मेनी एरर्स? Are you guys done? Got six errors. चलिए, तो last year, guys, we are talking about last year means it's a past ना, past story or simple past story, an investigated report. समझ गया?
तो हम लोग यूज करेगा एन, क्योंकि प्रोनंसिएशन इन्वेस्टिगेशन का तो पहला एरर तो आर्टिकल का, एन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बाय द वजेस हैज रिबील्ड होगा और हैड होगा, बताइए सब लोग साथ में चलिए अब, बिकॉज द टेंस कंसिस्टेंसी वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, तो इट हैज टू बी पास्ट स्टोरी। कोल्ड बड़ा परेशान कर रहा है। द वर्ज हैड रिवील्ड द ट्रामा, और ट्रामा फेस्ड होना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल यूज एन एडजेक्टिव, द ट्रामा फेस्ड बाई ऑलराइट बाई फेसबुक्स कंटेंट मॉडरेटर्स, दीज आर द पीपल, ये वो लोग हैं हु बीड अवे, नहीं होता वीड आउट होता है, ये बहुत पावरफुल फ्रेजल वर्ब है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। वीड आउट का मतलब होता है रिमूव कर देना, अगर कुछ भी अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव लोगों को वीड आउट कर दीजिए, समझ गया, तो एनीथिंग नेगेटिव दैट यू रिमूव दैट इज वीड आउट। सब लोग लिखिएगा कमेंट सेक्शन में अगर पहली बार सुन रहे हो वीड आउट, एक फ्रेजल वर्ब तो याद हो गया जी, जो कि काम का फ्रेजल वर्ब है। तो दीज आर द पीपल, ये वो लोग हैं जो हटा देते हैं द प्रोफैनिटी, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल चीज़ें होती हैं, एंड ग्राफिक इमेज दैट वर पोस्टेड, तो दीज आर द पीपल मीन्स प्रेजेंट में हैं ये पीपल, और ये जो पिक्स हैं और ये सब कुछ होता है प्रेजेंट में की जा रही हैं, हमेशा की जा रही हैं, तो जो चीज़ हमेशा होती है हर रोज होती है तो उसे हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। यस ऑलराइट, सो ग्राफिक इमेज दैट आर पोस्टेड होगा, दैट आर पोस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म बिफोर इट रीचेस योर फोन, दीज आर द पीपल हु बीट अवे द प्रोफैनिटी एंड ग्राफिक इमेजेस। ऑलराइट ऑलराइट, बिफोर इट रीचेस, अब यहाँ पे इट को इन्होंने यूज करा है ये पूरे कंटेंट के लिए, ओके, तो इसीलिए हम इट लगा लेंगे, इट रिप्रेजेंटिंग द कंटेंट, प्रोफैनिटी ग्राफिक इमेजेस को कंबाइंड होकर के सिंगल कंटेंट वर्ड यूज हुआ है, तो ये करेक्ट है। द रिपोर्ट सेड दैट, रिपोर्ट में ये लिखा गया था हैविंग टू डेल्ट, नहीं होगा टू डील विद, टू प्लस बी वन, और डील विद जानते ही आता है, डील विद फ्रेजल वर्ब, तो हैविंग टू डील विद द बाइल, बाइल मीन्स होता है रिमार्क्स, ऑफेंसिव रिमार्क्स, डील ओके, जो कमेंट्स करते हैं लोग बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को, आम आदमी पार्टी वालों को, एक दूसरे के लोग बुरी तरीके से, पता है ना आपको कितना ज़्यादा कमेंट में लिखते, एक दूसरे को मारने धमकी देते हैं, ठीक है। हाँ, द रिपोर्ट सेड दैट हैविंग टू डील विद द बाइल दैट ह्यूमैनिटी हैज़ टू ऑफर व्हेन गिवन अ प्लेटफॉर्म टू वेंट लेफ्ट मैनी ऑफ देम डिप्रेस्ड, अब लोग इतनी ज़्यादा गाली गलौज कर रहे हैं, देर आर अब्यूजिंग ईच अदर ऑन सोशल मीडिया, कि दोज गाइज हु आर ऑब्जर्विंग, दोज गाइज हु आर द मॉडरेटर्स, दे गेट डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ रीडिंग सच सच स्टोरीज, इन ह्यूमन डिस्गस्टिंग स्टोरीज, दे गेट डिप्रेस्ड। तो फेसबुक वाले लोग, तुम खुश हो फेसबुक पर हो के, और फेसबुक वाले लोग दुखी हैं तुमसे, देख रहे हो। सो फनी ना, हम सबको खुशी होती है फेसबुक पे नया दोस्त बनता है, नए लोग, नए फॉलोअर आते हैं, और पूरी दुनिया एकदम यू नो फोटोज़ डालती है, कोई टमाटर की सब्जी बना रहा है, समझ रहा है, कोई चाय बना रहा है, तो उसे लग रहा है कि वो शेफ़ बन गया है, हर कोई बड़ा खुश हो रहा है, ठीक, लेकिन तुम्हारी हरकतों को देख करके, तुम्हारी मतलब जितने भी ख़राब लोग हैं उनकी हरकतों को देख करके वहाँ के लोग डिप्रेस हो रखे हैं। ओके, सो हाँ, देर आर अदर्स हु सी कमेंटिंग एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स को इन्हें कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट मानते हैं, दे हैव देयर मार्क ऑन एवरी स्टोरी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर वीडियो पे कमेंट करके आते हैं आपकी, हाँ, आपके पास आपकी, आपने देखा होगा अगर आप फेसबुक पे हो, कुछ आपके फ्रेंड्स होते हैं हर जगह टैग करेंगे, हर जगह हर वीडियो में, मेरे पास एक ऐसा बंदा है, हर मतलब वो नोटिफिकेशन आ जाता है, कुछ भी रैंडम पेज होगा उसमें उसका कमेंट होगा। देर आर अदर्स हू सी कमेंटिंग एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, दे लीव देयर मार्क ऑन एवरी स्टोरी, दे रीड इन द फॉर्म ऑफ ए रिमार्क, ऑफन आई हैव फेल्ट एन अर्ज टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द
इनैनिटीज, इनैनिटीज मीन्स होते ऑल दी स्टूपिड रिमार्क्स दैट सम ऑफ इट इज प्यू. अब इट नहीं होगा, सम ऑफ दैम, यानी सम ऑफ टी एच ई एम. और नहीं देखो, खाने की पिक्स इज ओके, बट जो ये नहीं है, मैं तो बस बता रहा हूँ कि हम लोग अपने आराम से हैप्पी हैप्पी हो रहे हैं और फिसो वाले डिप्रेस हो रहे हैं. बट खाने की पिक्स को देख के नहीं, खाने पिक्स तो वो खुश होंगे, ठीक है, बट जो गंदगी फैला रहे हैं ना लोग, मैं उसकी बात कर रहा था. They leave their remark. I have felt an urge to save the world from the inanities, meaning all the stupid remarks that some of it. Okay. चलिए. हाँ. Okay. तो I have felt an urge. Okay. Some of them spew. Alright, तो बहुत सारे लोग ये जो गंदगी फैलाते हैं by hitting delete. कई बार ऐसा लगता है कि delete बटन दबा दो तो ये सारी दुनिया बच जाएगी. However, inanity is the least of our concern. ये stupid remarks जो होते हैं वो हमारे इतना बड़ा concern नहीं है. समझ गया, इसका मतलब है कि next paragraph में कोई कहानी का revelation होने वाला है. चलिए समझ गया. तो एक ये गया, ठीक है, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एट एरर्स गाइस. देखिए बुकैब कितना अच्छा था. प्रोफैनिटी नाउन हमने है ना बुकैब वाली क्लास में पढ़ा था, ठीक है. आज 10 बजे वाला क्लास रीडिंग कॉम्पिटिशन नहीं लग पाया है. वो थोड़ा सा क्या है ना कि प्लेटफॉर्म में जब क्लासेस में थोड़ा सा भी लेट हो जाओ, 12 आवर्स पहले लगानी होती है, और मैं शायद 11 घंटे पहले लगा रहा था तो नहीं लगा क्लास, ठीक है. चलो कोई नहीं, क्लास हम हमेशा करते रहेंगे. थोड़ा सा लेट हो गया मैं, कहते हैं ना चूक गया, आई मिस द बोट. सो 10 AM वाली क्लास और 12 जो नून में हम क्लास करते हैं वो आज नहीं हो पाएगी क्योंकि मिस हो गई है. और मैं देखता हूँ कि वो वाली क्लासेस हो सकती हैं कि नहीं, 5 PM, ठीक है ना, एंड 7 वाला है और 9 PM वाला है. चलिए, बट तब तक आप पुराने वीडियोस देख लेना. ऑलराइट, प्रोफैनिटी, ब्लेस फेमस और ऑब्सीन लैंग्वेज, एन आउटबर्स्ट ऑफ प्रोफैनिटी, कर्स 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 वर्ड एक्स. अरे सुनिए, याद है कई बार आप किसी इंसान को गाली देते हो तो कहता है कि यार बड़े एडजेक्टिव, गंदे गंदे वाले एडजेक्टिव यूज करने का मन कर रहा है. सब लोग बताइए गाइज, ऐसा मतलब आपने कभी सुना है कि आई जस्ट वॉन्ट टू यूज सम यू नो समथिंग अग्रेसिव, समथिंग डर्टी एडजेक्टिव्स फॉर समबडी. मन करता है कि तुम्हारा किसी को गाली दें, तो पता है उसी को ही हम एक्सपलेटिव बोलते हैं. एडजेक्टिव्स होते हैं बट गंदे वाले, गाली वाले, एक्सपलेटिव बोलते हैं. हाँ, यूट्यूब होगा, यूट्यूब होगा, 2 PM यूट्यूब जरूर होगा गाइस. सब लोग क्लोज टेस्ट में आ जाना, तुम जितने भी यहाँ पे हो. एक तो क्लोज टेस्ट मांगते हो, जब करा रहे हैं तो आ नहीं रहे हो, ठीक है. मेरे पास बहुत सारे क्लोज टेस्ट हैं, मैं 2 घंटे का क्लास रेडी करके आऊँगा, ठीक है. देखते हैं आप कितना करते हो. तो एक्सप्लेटिव्स बोलते हैं, निगेटिव रिमार्क्स होता है, ऑफकोर्स निगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. ऑलराइट. चलिए, बाइल, BILE नाउन, एंगर, बिटरनेस, इरिटेबिलिटी. चलिए, इनैनिटी, अ नॉनसेंसिकल रिमार्क ऑन एन एक्शन, एब्सर्ड. ओके, एसिनिटी, फॉली. ऑल राइट, इडियसी, इम्बेसाइल, एक वर्ड होता है इम्बेसाइल, स्टूपिड. चलिए, स्प्यू, कुछ लोग बात करते टाइम पे उनके मुंह से थूक निकल जाता है, सलाइवा निकल जाता है, ठीक है. चलो ये तो रही नॉर्मल बात, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुंह खोलते गंदगी फैलाते हैं, मतलब दे क्रिटिसाइज, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं. समझ गया, यस यस, बुकैब वाला,
किस तरह का चाहिए, यू वांट टू क्लोज टेस्ट ऑन बुक कैब, ऑन फ्रिज एल्बम, ऑन फ्रिज रिप्लेसमेंट और वॉट एवर। और मेरे पास इतनी वैरायटी है दोस्त कि वैरायटी खुद शर्मा जाएगी। तो तुम बस आओ, लाइव आके देखा करो तो मैं आपसे बातें कर पाऊँ, ठीक है? सो एक्सपेल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ समथिंग रैपिडली एंड फोर्सिबली, ठीक है? बसेस वर स्पूइंग आउट ब्लैक क्लाउड्स ऑफ एग्जॉस्ट, बस में से पीछे से इतना तगड़ा धुआं निकल रहा था। ऑलराइट, वीड आउट टू सेपरेट, रिमूव एंड एलिमिनेट एनीथिंग अनवांटेड, जो भी खराब चीज हो उसे हटा दो, वीड आउट कर दो। द कंपनी वीडेड आउट द इनकॉम्पिटेंट पीपल, जो ढंग के लोग नहीं होते उन्हें हटा दिया, वीड आउट कर दिया। पैराग्राफ नंबर टू, गो फॉर इट गाइज, मैं आपको दो मिनट दे रहा हूँ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो स्टोरी समझ में आ गई, इट्स अबाउट फेसबुक द प्लेटफॉर्म, द पीपल वर्किंग एट फेसबुक, द कंटेंट, ओके, मॉडरेटर, दे आर डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द स्टूपिड थिंग्स दैट द पीपल डू ऑन सोशल मीडिया। हमने नया नया बुक है पढ़ा, बाइल हिमांशु मित्तल जी, आइए। इनैनिटी, प्रोफैनिटी, स्प्यू, चार वर्ड्स पढ़े कि नहीं मेरे दोस्त? लिख लिया करो, बार बार बोला करो। कल्पना, ओके ठीक है। अब जब हम आपसे कहते हैं कि यही चीज़ ऑफलाइन कमेंट में कहा कीजिए अपनी डिमांड्स, तो कोई कहता नहीं है। अब ये लाइव कमेंट में भूल जाएंगे हम, ऑफलाइन कमेंट के हम वीडियो देखते रहते हैं कभी कभी, तो याद रहता है कि अच्छा ये डिमांड किया हुआ है, ठीक है? ऑफलाइन कमेंट समझते हो, वीडियो जब हम बाद में देखते हैं फिर कमेंट करते हैं। हाउ मेनी ग्रामर एरर्स, कम ऑन गाइस, एनीवन गाइस, एनीवन, हाउ मेनी एरर्स टोटल, 1 2 3 4 5, यू गाइस आर सुपर चैंपियंस। एक भी एरर नहीं है उसमें, तुम इतनी एरर निकाल दी हो। और सबसे बड़ा मेरा ओलंपिक मेडलिस्ट है मेरा दोस्त, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, ठीक है? स्कूल बस आ गई, इसका नाम है शुभम कुमार मन्नी मिश्रा, ये कहाँ से आई है, ठीक है? प्रियंका शाहू, चलिए अब मेरी बात सुनिए। तो इन मेरे सारे दोस्तों को जिन्होंने गलतियाँ निकाली हैं, इन्हें सब सलाम करो। गुड मॉर्निंग स्वप्न जी, स्वप्ना जी, ऑलराइट, गुड मॉर्निंग, आपके तो नाम में ही जी है। गुड मॉर्निंग, सम ऑफ द ड्रिबल, देखिए ड्रिबल मत होता है नॉनसेंस टॉक विच इज ओके, हाँ नॉनसेंस टॉक, और फिर नॉनसेंस टॉक हो गया उसके, तो ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल है इसका मतलब है इसका हम एस नहीं लगाएगा, और फिर ये वाला टर्न अप सही है बिकॉज वी हैव अ रिलेटिव प्रोनाउन स्टोरी माय डियर फ्रेंड, दिस इज एंटीसिडेंट, और एंटीसिडेंट डिसाइड द नेचर ऑफ द वर्ब। तो ये मैंने धप्पा किया है आपके साथ में, कैसा फील हो रहा है धोखाधड़ी देख के आपको दोस्तों, ठीक है? कैसा लग रहा है?
चलिए, तो सम ऑफ द ड्रिबल द नॉनसेंस टॉक दैट्स टर्न अप मीन्स सिंगुलर अनकाउंटेबल सिंगुलर करेक्टर इन फ्रंट ऑफ आवर मॉडरेटर्स। ठीक है, एक बंदा कह रहा था कि हमारा मॉडरेटर, अरे भाई एक ही मॉडरेटर क्यों होगा, मल्टीपल मॉडरेटर्स क्यों नहीं होंगे। आई नो दोस्त, इसीलिए तो सम ऑफ द ड्रिबल द नॉनसेंस टॉक दैट टर्न्स अप इन फ्रंट ऑफ आवर मॉडरेटर्स के सामने जब चीज़ें आती है इज़ वेरी फार फ्रॉम द पॉइज्ड। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए तुम देखो, यू नो द स्टोरी राइट गाइज, कि जब एक मिस्टेक को छुपाने के लिए, समझ गए ना आप, 1, 2, 3, 4, 100 मिस्टेक करते हैं हम लोग, 100 झूठ बोलते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए, ठीक है ना, वी स्पीक हंड्रेड्स ऑफ यू नो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइज। सो मेरा पॉइंट ये वही हुआ है कि इसको ना समझ पाए तो यो भी गलत किया और यो भी गलत किया, बिकॉज यू थॉट दिस इज प्लूरल, सम ऑफ के बाद प्लूरल आएगा, तो दिस इज प्लूरल, दिस इज प्लूरल, फिर तो तुम प्लूरल ही करते रहे। तो एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ गए आपको, देखो है ना। आ जाइए, तो सम ऑफ द ड्रिबल द टर्न्स अप इन फ्रंट ऑफ अ मॉडल इज वेरी फार फ्रॉम द पॉइज्ड प्रोज। ऑल राइट, ऑफ द लेटर्स टू द एडिटर दैट मेक इट टू प्रिंट। ऑल राइट, वाइल सम एक्सप्रेस, ओके ऑल राइट, सम एक्सप्रेस देयर डिस्गस्ट इन थैंकफुली शॉर्ट बर्स्ट, बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। देर आर अदर्स हु आर पेनफुली बर्बोज, और बर्बोज मतलब यूजिंग सो मैनी वर्ड्स, सो मैनी वर्ड्स। ऑल राइट, द कमेंटिंग प्लेटफॉर्म दैट वी यूज हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रोफैनिटी फिल्टर। ठीक है, उसमें प्रोफैनिटी फिल्टर, अगर कुछ उल्टा सीधा करोगे पकड़े जाओगे। हाउएवर क्रिएटिविटी ऑन दिस फ्रंट इज ऑफन ए स्टेप अहेड ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी ने, ठीक है ना, 1000 कर्स वर्ड जो होते हैं, कर्स वर्ड्स होते हैं, गाली गाली वाले वर्ड्स को बैन कर दिया, लेकिन हमारे दोस्त नई गालियाँ बना लेते हैं, समझ रहे हो, तो बड़े क्रिएटिव हैं, नए नए तरीके निकाल लेते हैं। हाँ, बाकी सब करेक्ट है। ओके, द लॉयल्टीज ऑफ द राइटर और द न्यूज़पेपर और एज अ होल आर कॉल्ड इन टू क्वेश्चन इन टर्म्स दैट मेक द स्किन क्रॉल। ठीक है, और टू मेक द स्किन क्रॉल का मतलब है टू फील वेरी वेरी डिस्गस्टिंग। ऑल राइट, द लॉयल्टीज ऑफ द राइटर्स और द न्यूज़पेपर एज अ होल आर कॉल्ड इन टू क्वेश्चन इन टर्म्स, ऑल राइट, दैट मेक, तो मेक करेक्ट है हमारा, टर्म्स, तो ये पूरी कहानी सही थी हमारी। ड्रिबल नॉनसेंस टॉक होता है, ही वॉज ड्रिबलिंग ऑन अबाउट द ग्लोरी डेज। ठीक है, अरे जब ऐसे हमारे यहाँ पे, जैसे आर्मी में हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग रिटायर्ड हैं हमारे गांव में, ठीक है, और फैमिली में जॉब करने वाले लोग बहुत हैं, तो वो अपना बताते हैं कि हम 1970 में थे, 1980 में थे, इंदिरा गांधी, ऐसे, समझ रहे हो, तो दे टॉक अबाउट देयर ग्लोरी डेज। ऑल राइट, पॉइज्ड हैविंग काम एंड कंपोज्ड, ठीक है ना, हाँ, वर्बोज यूजिंग सो मैनी वर्ड्स। चलिए, मेक समवन स्किन क्रॉल, मेक समवन क्रॉल या फिर क्रीप, टू मेक समवन फील डिस्गस्टेड अफ्रेड, द हॉरिबल थिंग्स आई सॉ मेड माई स्किन क्रॉल, कुछ ऐसा नज़ारा आप देख लेते हो कि आप हिल जाते हो अंदर से। चलो, रोहित ने पूछा है कुछ कि अगर सपोज ड्रिबल प्लूरल होता तो दैट की जगह विच आता, देख लेते हैं भाई। ना ना ना, काहे को आता भाई, दैट आ सकता है ना। ओके, दैट मैंडेटरी पार्ट की स्टोरीज में आता है, दैट को हम बोलते हैं इसेंशियल क्लॉज, मीन्स दैट जब एक ऐसी बात लेके आता है जो इसेंशियल पार्ट होता है सेंटेंस का, एक्स्ट्रा नहीं होता, ठीक है, तो इसे डेट आएगा, बिल्कुल आएगा। नंबर 3,
Then there are those who couch their attacks in language that often leaves you wondering whether you have just been what? Adversely, you have been complimented. What are we discussing here? Are you guys done? देखिए तो ये हिंदू न्यूज़पेपर पे हम लोग ऐसी तरह से एक्सपेरिमेंट करके पढ़ते हैं, देखते हैं कितने यस कई लोगों ने सही कर दिया. देन देर आर दोज हु काउच देयर अटैक्स इन लैंग्वेज. तो कुछ लोग ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं कि यू कैंट फिगर आउट कि तारीफ हुई है या बेइज्जती हुई है. समझ गया? ऑलराइट. That often leaves you wondering whether you have been what? Complimented. People also often react glare, ठीक है ना, quite, okay, quite adversely to their comments, being rejected. ठीक है, तो ये reject यहाँ जाएगा, complimented यहाँ जाएगा. Complimented में I लगेगा, misprint है. Alright, with our moderator often receiving colorfully worded instructions on how to do their job. ठीक है, कुछ लोग जब किसी का कमेंट हाईलाइट हो जाता है, ठीक है, कमेंट के, तो फिर मॉडरेटर में चला जाता है किसी का कमेंट, तो फिर लोग मॉडरेटर्स को गालियाँ देते हैं कि भाई ढंग से अपना जॉब करियो, नहीं तो भाई आके मारेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. समझ गए? Alright. The toughest task for the moderator is deciding whether a comment has crossed the thin line. एक thin line होती है, एक बहुत small margin between two stupid things. समझ गया? मतलब गलत और ज़्यादा गलत. कुछ लोग बोलता है कि दुनिया में दो type के लोग होते हैं, गलत और ज़्यादा गलत. ठीक है, तो गलत वाले सही हैं, छोटा मोटा गलत, बहुत ज़्यादा गलत वाले नहीं. So never cross this. अरे नहीं. Then there are those who couch their attacks in language that often leaves you wondering whether you just have been complimented. अरे मतलब कि sometimes we don't understand कि हम कि हमारी तारीफ हुई है क्या नहीं. उस sense में use हुआ था ये. Help me cross the thin line between. Genuine criticism and personal, while it is glaringly means होता है obviously. देखो तुम रास्ते से निकल रहे हो और सामने एक साइड में ही रोड साइड एक शेर बैठा है तुमको घूरता हुआ. Obviously he's just looking at you, आंखों में आंखें डाल के देख रहा है. समझ गए? और आप डर जाते हैं बुरी तरीके से. तो glaringly, obviously looking at you, obviously visible. Obvious, okay, glaringly obvious in most cases, some are tougher to call out. चलिए तो ये करेक्ट आंसर है. A thin line, idiomatic expression, a very narrow division between two alternatives. One of them, ठीक है, एक बंदा है, समझ गए, जिसने सिर्फ एक बंदे का मर्डर किया है, एक बंदा है जिसने चोरी की हुई है, एक बंदा जिसने मर्डर किए हुए हैं. समझ रहे हो? तो दोनों ही गलत हैं. बहुत छोटा सा डिफरेंस है. आ जाइए. एज अ न्यू पेरेंट यू लर्न दैट देर इज अ थिन लाइन बिटवीन लुकिंग आउट फॉर योर चाइल्ड्स वेलफेयर एंड बींग ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है नेगेटिव. और वेन यू लुकिंग आउट फॉर योर चाइल्ड्स वेलफेयर, उसकी भलाई के लिए कुछ करते हो पॉजिटिव. तो इस वाली कहानी में छोटा सा डिफरेंस है.
कॉल आउट मीन्स होता है क्रिटिसाइज करना। जब आप किसी को कन्फ्रंट करते हो, फेस करते हो आमने सामने, एंड देन यू क्रिटिसाइज देम। काउच समथिंग इन समथिंग, द काउच इन टू कन्वे समथिंग वेरी डेलिबरेटली बाई सेइंग इट इज इन ए पर्टिकुलर वे और विद पर्टिकुलर वंडरिंग। दैट प्रोफेसर ऑलवेज मैनेज टू काउच हर क्रिटिसिज्म इन काइंड वर्ड्स, आई एम नेवर टू अपसेट बाई हर नेगेटिव फीडबैक। कुछ टीचर होते हैं प्रोफेसर्स, वो क्रिटिसिज्म को बड़े प्यार भरे शब्दों में बेइज्जती करके निकल जाते हैं। अरे बेटा तुम तो राजा बेटा हो, ओके तुम ठीक है ना, तुम इतना मेहनत नहीं करोगे, राजा बेटा हो, बहुत अच्छे वाले बेटा हो, आपको ऐसे हर रोज़ 15-16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके घर में राजा बेटा हो। रोहित लाकरा, अब देखो रोहित भाई कितने सारे मॉक टेस्ट लगाता है, तुम सब लोग ही मॉक टेस्ट लगाया करो। चलिए, कॉल आउट टू कन्फ्रंट वंस अबाउट वंस मिसडीड अनप्लेजेंट। जब कोई कुछ गलत कर दे तो आप उसे कन्फ्रंट करते हो, फेस करते हो, आपसे उससे क्वेश्चन पूछते हो, क्रिटिसाइज करते हो, दैट इज टू कॉल आउट। ग्लेयरिंग, हाईली ऑब्वियस और कॉन्स्पिकुअस, मतलब दिख रहा है सबको, देयर इज अ ग्लेयरिंग ओमिशन इन द डाटा, एवरीबडी कैन सी इट। लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए जैसा विधायक है हमारे, चलिए पैराजमल सॉल्व कर सकते हैं आप, क्या लगता है? ये रोल्ड आउट समझ गया, तो फिर ये वाला ही ओपनर बनेगा। सी, द मॉडरेटर हैज टू डिसाइड वेदर अ कमेंटर इज क्रिटिसाइजिंग अ राइटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। अब वेदर आया हुआ है तो और भी आना चाहिए, और आएगा तो सी ए, मानते हो? बहुत सारे लोगों ने सही किया है। और पर्सनालिटी, द फॉर्मर एक्सेप्टेबल वाइल द लेटर इज नॉट। ठीक है, कमेंट मॉडरेटर डेफिनेटली हैज अ सब्जेक्टिव एलिमेंट टू इट। ऑलराइट, डिसाइड करना पड़ता है सही है गलत है, तो डिस्कशन। अ मॉडरेटर माइट एम एट टाइम्स, ओके ऑल राइट, एट टाइम्स व्हाट? माइट एट टाइम्स, तो माइट क्लियर अ कमेंट दैट इज सिमिलर टू वन दैट डिड नॉट पास मस्टर विद हिम और अर्लियर। ठीक है, तो सी ए डी एफ, कमेंट्स की बात चल रही है। अच्छा, हाइड हो रहा है, ओके मैं डिसअपीयर हो जाता हूँ। यस, कई लोगों ने सही कर दिया, वंडरफुल। एफ तक आ गए फिर। एट वन पॉइंट वी थॉट ऑफ हैंडिंग ओवर, एक टाइम पे हमें लगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे देते हैं प्लेटफॉर्म, दैट इज ट्रेन इन आवर रूल्स एंड मेथड्स। हाउएवर दीज एल्गोरिदम्स आर, ये वाली एआई वाली, येट टू अन द लेवल ऑफ ट्रस्ट वी हैव इन आवर ओन मॉडरेटर्स। तो सोचो कि ऑलराइट, मस्टर मीन्स होता है कलेक्ट करना। मैंने आपको पढ़ाया था कि यू आर इन कॉलेज, इन योर ऑफिस, ठीक है, और कहीं पे भी, यू लाइक समबडी एंड यू वांट टू प्रपोज दैट पर्सन फॉर द मैरिज, समझ गए, बट यू डोंट हैव करेज,
बट वन डे आपके दोस्त ने आप में हवा भर दी एंड यू मस्टर्ड सम करेज, तो तुमने कुछ करेज लेकर के हिम्मत करके उसको प्रपोज कर दिया, तो टू मस्टर द करेज। मस्टर बहुत अच्छा वर्ड है एग्जाम में आने वाला, हमेशा याद रखना इसको, ऐसा मैंने पढ़ाया हुआ है फिर तो आप सब लोग जानते होंगे। गाइज हैंग हो गया है, जस्ट अ मोमेंट, ओके हैंग हो रहा है, जस्ट अ मोमेंट। गाइज प्लीज चेक, अभी ओके नाउ? गाइज प्लीज चेक, चलिए केबीसी स्टार्ट करते हैं गाइज, और ये वाले क्वेश्चन से फोकस कीजिए आप सब लोग। द पैसेज प्राइमरी कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, द कमेंटिंग प्लेटफॉर्म दैट वी यूज एज ए स्ट्रॉन्ग प्रोफेनिटी फिल्टर, ठीक है, जो हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वहां पे प्रोफेनिटी जानते हैं नेगेटिव चीजें उनको फिल्टर करने वाला, कमेंट मॉडरेशन डेफिनेटली हैज अ सब्जेक्ट एलिमेंट टू इट, क्रिएटिविटी ऑन कमेंट मॉडरेशन ऑफन ए स्टेप अहेड ऑफ द टेक्नोलॉजी। राघवेंद्र प्रसाद में दोनों पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, और ये बैंक लेटर पे आप डेली आओ सुबह और पुराने वीडियोस देख लो आप पहले, और मैं अनअकैडमी ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, वहां पे फ्री क्लासेस हैं बहुत सारा। ऑलराइट, इनएनटी इज द लीस्ट कंसर्न कमेंट मॉडरेटर, मॉडरेटिंग द ऑनलाइन कमेंट सेक्शन इज टफ एंड ट्रिकी जॉब। क्या लगता है कौन सा ओवरऑल आइडिया है, एनीवन? बोलिए। तो देखिए, दीज आर जस्ट कट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द पैराग्राफ, बट ये देखिए थॉटफुल है, समझ रहे हो? तो ये वाला हमारा ऑप्शन थॉटफुल है, ये हमें कुछ एक्स्ट्रा बात बता रहा है, कुछ समराइज कर रहा है ना। चलिए,
मॉडरेटिंग द ऑनलाइन कमेंट सेक्शन इज टफ, यही तो कहा गया है कि जब मॉडरेट किया जा रहा है हमारे कंटेंट को, कमेंट्स को, तो बड़ी ट्रिकी जॉब है, लोग डिप्रेस हो जाते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि यू नो कि विच वन इज क्रॉसिंग द थिन लाइन, कौन सा कमेंट सही है कौन सा गलत है, ये बहुत डिफिकल्ट है. लोग बहुत ट्रिकी जॉब है. राघवेंद्र प्रसाद जी वंडरफुल, देखते रहिए सारे वीडियो देखिए, ठीक है. चलो, which of the following statement is or are true with respect to the context of the given sentence? Last year, an investigative report by The Verge had revealed the much trauma faced by Facebook content moderators. All right, these are the people who beat out the profanity. ये सब चीजों को हटा देते हैं. कौन-कौन सी कहानी सच है? Facebook's content moderators are the one who remove the inferior or the unwanted component posted on the platform. According to the report of The Verge, which has released last year, Facebook content moderator faced a lot of drama. The report that was released last year by The Verge had revealed that Facebook content moderator who removed the unwanted content and graphic image posted on the platform faced a lot of drama. क्या लगता है आपको? Facebook's content moderator are the one जो चीजों को हटाते हैं. Correct. ठीक है, ओके. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द वर्ज विच वॉज रिलीज लास्ट ईयर, फेसबुक कंटेंट मॉडरेटर फेस अ लॉट ऑफ ट्रामा. ठीक है, बताइए आंसर प्लीज. कॉल करने वालों, एक बार आप टेंस देखें. बोलिए. चलिए, धप्पा हो गया. द रिपोर्ट वॉज रिलीज, ये करेक्ट है. सो डी करेक्ट आंसर है. ये लास्ट ईयर रिलीज हुआ था. एक और मिस्टेक है, एक मिस्टेक और बता दें. दूसरा मिस्टेक बताएं गाइस, और ये सुनिए, ये आपके लिए ग्रामर का एरर है. विच रिलेटिव प्रोनाउन है, एंटीसिडेंट द वर्ज है, तो वर्ज वॉज रिलीज्ड. मेरे दोस्त बोलिए, कौन रिलीज हुआ था, वर्ज या रिपोर्ट? बोलिए. वर्ज रिलीज नहीं हुआ था. चलिए, नंबर थ्री. व्हाट कैन बी इलस्ट्रेटेड फ्रॉम द स्टेटमेंट, सम ऑफ द ड्रिबल नॉनसेंस टॉक दैट टर्न अप इन फ्रंट मॉडरेटर, जो गंदगी आती है, इट फार फ्रॉम द पोइस्ट प्रोज ऑफ द लेटर. मतलब कि जो हम कहते हैं ना टू द प्रिंसिपल, बट ओके, my name is this, my roll number this, and I beg to see that please grant me leave for 2 days, thank you, shukriya. तो तुम जो प्यार से लेटर लिखते हो ना, एक सभ्यता वाला, प्रोज वाला, तो उस कहानी से ये बहुत दूर है. Okay, very far away from that. तो to the principal वाला मतलब ये होता है, this is the symbol of, you know, professionalism, simplistic. और ये जो तुम यहाँ पर गंदगी फैलाते हो वो टोटली अलग है. तो सभ्यता की दुनिया से ये असभ्यता की दुनिया है. वेरी फार फ्रॉम. मीनिंग समझ गए सब लोग इसका? सब लोग मीनिंग समझ गए क्या भाई, बताओ, बोलिए. ऑलराइट, तो द जिब्रिश कंटेंट दैट टर्न्स अप इन फ्रंट द मॉडरेटर इज नॉट कंपेरेबल टू द गर्ल. ओके, बहुत ही गंदा. द कंटेंट लेटर द राइटर इज ग्रेसफुल. ना 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 ना. और बहुत गंदा कंटेंट यहाँ पे आता है, ये भी करेक्ट है. लेकिन पॉइज प्रोज नहीं है,
दूसरी चीजें हमारी खराब हैं, तो ये भी गया, ये और ये सही है। दो बातें सच थी उसमें, सी 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 वाला मिक्सअप कर रहा था। Which of the following correctly generally describe the meaning of the sentence? The moderator has to decide whether a commenter is criticizing the writer's understanding of the subject or attacking her personally. Moderator को decide करना पड़ता है कि writer को कि subject को you know describe किया जा रहा है, ठीक है, is criticizing the writer's understanding of the subject or attacking, या फिर उसके पर्सनल अटैक हो रहा है या फिर उसके सब्जेक्ट को। चलिए द फॉर्मर इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, अगर आप उसके सब्जेक्ट की बात कर रहे हो कि भाई यू नो तो एक्सेप्टेबल है, व्हाइल लेटर इज नॉट। किसी को पर्सनली अटैक करना ठीक नहीं है। अगर आपको पता हो MS धोनी, ठीक है, को इतना थ्रेट दिया गया था, तो उनकी बेटी है जीवा, ठीक है, उसको रेप थ्रेट्स दे रहे थे लोग, इतने मतलब सोचिए ना कितने गंदगी भरे लोग, गंदगी क्या मतलब इनह्यूमन लोग हैं, राक्षस उस जमाने में नहीं होते, राक्षस अब घूम रहे हैं हर जगह हर कोने पे। मतलब कोई कितना सिक माइंड हो सकता है कि वो मैच हार गया या जीत गया और इस वजह कोई बैठा हुआ कोई बेवकूफ एक ऐसे रैप थ्रेट दे रहा है उसको, आपने ये सुना होगा, ठीक है। एक तरफ हम एडवांस हो रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, दुनिया के साथ चलना है हमको, लेकिन एक एडवांस का ये सबसे बड़ा हुआ है कि हम बेवकूफ को बंदरों के हाथ में मोबाइल फोन दे दिए गए हैं, हम गधों को हमें टेक्नोलॉजी और इंटरनेट दे दिया गया है। जियो यूं तो पूरी दुनिया को बढ़ाने की बात करता है, बट हम इतने गंवार और इतने बेहुदा हैं कि हमें सस्ते फोन, समझ रहे, मोबाइल, सस्ता डाटा मिल गया है और ये लोग राक्षस बन गए हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बहुत बड़ा न्यूज बना था सोशल मीडिया पे, सस्ते फोन सस्ते मोबाइल ने हर किसी बेवकूफ को इंटरनेट पे डाल दिया है, हर कोई हिंदी इंग्लिश में टाइप करके किए जा रहा है। चलिए आंसर बताइए अब इसका, कौन सा वाला इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा है। द मॉडरेटर हैज टू डिसाइड वेदर अ कमेंटर क्रिटिसाइजिंग हर, ओके करेक्ट है। अ कमेंटर अटैकिंग द राइटर पर्सनली एक्सेप्टेबल, अच्छा पर्सनली एक्सेप्टेबल है, नो, ठीक है। अ कमेंटर अटैकिंग द राइटर पर्सनली इज नॉट एक्सेप्टेबल, वेयर एज criticizing writer's understanding of the subject is acceptable. All right. ये वाला तो सही लग रहा है, ठीक है, ये वाला verify करना पड़ेगा एक बार, रुके रुके guys, ये verify करना पड़ेगा, ये सही लग, ये तो definitely wrong है कि personally किसी को accept करना बिल्कुल नहीं, subject, a commenter जो होता है, ठीक है, वो उनके subject पर criticize करे चलेगा, पर्सनली नहीं होना चाहिए, तो ये करेक्ट है, ये नॉट करेक्ट है। मॉडरेटर हैज टू डिसाइड वेदर कमेंटर इज क्रिटिसाइजिंग हर और अटैकिंग, नो, क्रिटिसाइजिंग हर और हर, ये तो वैसे ही गलत हो गया गाइस, ए रॉन्ग है, गाइस बताओ 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 बताओ, अरे ये तो बहुत ही गलत है बे, हर और हर तो एक ही तो बात हो गई, ना ना ना, एक तरफ उसका सब्जेक्ट था और एक सब्जेक्ट जानते हो उसकी बुक उसकी कविता उसका उसका आर्ट, ठीक है, और एक तरफ वो खुद, ये तो बिल्कुल ही गलत है सरासर, देखो पढ़ नहीं पाए हम, ठीक है, ये आंसर होगा। अभी मिस्टेक से गलती हो जाता, समझ रहे सब लोग। चलिए नंबर 5, अब इसीलिए क्वेश्चंस ट्रिकी हैं, इसीलिए मेंसलेबल हैं, क्योंकि इनमें घुमाया जा रहा है, समझ पाते तुम लोग, तो तुम एग्जाम के लिए रेडी हो रहे हो। अभी मेरे पास कई मैसेज आए, सिलेक्शन हो गया, तो इन्हीं सब वजह से सिलेक्शन होगा तुम्हारा।
आज सब अपना स्कोर बता के जाएंगे और समझ रहे हो ना, और ये माता रानी वाला कसम है। देखते हैं आप सबको बताइए कि आप क्यों अटेंशन में हो और अटेंशन में नहीं हो। What can be concluded from? ऐसे ही कसम बसम में मजे ले रहा था, so don't take it seriously. Okay, guys. What can be concluded from the statement? The toughest task for the moderator is deciding whether comment has crossed the thin line between genuine criticism or personal attack. Anyone? What can be concluded from the statement? The toughest task for the moderator to decide whether comment has crossed the thin line. Okay. The toughest task for the moderator is deciding whether a particular comment is genuine criticism or attacking the writer personally. All right. Genuine का मतलब है कि वही subject वाला, मतलब कि थोड़ा सही और थोड़ा गलत, तो ये सही है ये वाला. ठीक है, क्रॉसिंग अ थिन लाइन. द टफेस्ट टास्क फॉर द मॉडरेटर इज डिसाइडिंग वेदर द कमेंट हैज क्रॉस द इट्स लिमिट्स ऑफ जेन्युइन. यस, अ थिन लाइन का यही तो मीनिंग है. थिन लाइन का ये भी मीनिंग है. द टफेस्ट टास्क फॉर द मॉडरेटर इज टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर सब कमेंट हैज क्रॉस अ वेरी नैरो डिवीजन. ये भी इसका मीनिंग है. तीनों ही इसके मीनिंग थे भाई. चलिए नंबर सिक्स, टाइटल फॉर द गिवन आर्टिकल. इसका टाइटल बताइए. व्हाट आर वी डिस्कसिंग हियर? द फिडेलिटी ऑफ कमेंट मॉडरेटर्स. ठीक है, फिडेलिटी होता है ट्रस्ट. कमेंट इज फ्री बट मॉडरेटर्स पे दे आर डिप्रेस्ड. ओके, लुक्स गुड. बीडिंग आउट प्रोफेनिटी इन ग्राफिक इमेजेस. तो दिस इज अबाउट ओनली रिमूविंग दिस कंटेंट, बट वॉट अबाउट द पीपल? दिस स्टोरी इज अबाउट द पीपल, not about the content, if you notice. हिमालय जा रहा, अब मैं हिमालय जा रहा हूँ. चलिए, a strong profanity filter is Facebook. In Facebook, the level of trust on comment moderate, the level of trust on commenter moderate. मतलब हम उन पर trust कर रहे हैं? No. कमेंट का भी बात आ रहा है, मॉडरेटर का भी बात आ रहा है. मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटेंट हेयर प्लस पीपल हेयर. तो विच इज द एजेंडा ऑफ दिस? ऑलराइट, चलिए. इतना जल्दी हिमालय मत जा मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है. अभी अभी तो शुरुआत हुई है. व्हाट द टोन ऑफ द गिवन पैसेज? इज इट ह्यूमरस, ready to fight, excruciating, grandiose, introspective? क्या लगता है? ठीक है, excruciating, painful, ठीक है, mentally especially, grandiose, full of, ठीक है ना, एकदम grandeur, introspective, examine करना, thinking वाला, और ये फाइट वाला, ह्यूमरस वाला. हा हा, ह्यूमरस के लिए चलिए हा हा लिख देते हैं. इतनी मेहनत से तुम पढ़े हो दोस्त, अब तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सक्सेस लेना ही है.
सब लोग समझ गया? चलिए किस, हाँ तो ये एक्सक्रू की सीटिंग है बिकॉज फुल ऑन पेनफुल और राइट इंटेंसली पेनफुल मेंटली टॉर्मेंटिंग, तो एक्सक्रूसिएटिंग होते हैं कमेंट्स, ठीक है। आई नेवर कमेंट ऑन सच लिंक, सच वीडियोस, आई नेवर रेड, एक्चुअली इतना ज़्यादा गंदगी है कि दिमाग वस्ट हो जाएगा। चलिए तो गाइस दिस इज़ मी माय प्रोफाइल, ओके आप इसको फॉलो कर लीजिए सब लोग। क्लासेस होंगी, आज क्लासेस नहीं लग पाई हैं फॉर सम रीज़न, ठीक है। 12 आवर्स का रूल होता है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया लगाने से पहले। हाँ तो आज 10 AM क्लास नहीं होगा, सो प्लीज़ वॉच द ओल्ड वीडियोज़ अगर आपने जो मिस कर दिए हैं फ्री क्लासेस, ठीक है। लेकिन लर्निंग नहीं रुकना चाहिए, डिसिप्लिन आपका नहीं रुकना चाहिए। अगर मेरी तरफ से कोई फॉल्ट होता है तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, तो प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़, ठीक है। और 12 नून वाला जो वीडियो होता है वो भी नहीं है। आई विल ट्राई टू फिक्स 5 PM, 7 PM, 9 PM, मैं अभी फिक्स करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है गाइज। चलिए बट 2 PM ऑन दिस चैनल बैंक लैडर, बैंक लैडर क्लोज टेस्ट है, आइए वो करते हैं दोस्त, ठीक है। क्लोज टेस्ट, चलिए ऑल द बेस्ट, आई होप यू इन्जॉयड। वीडियो पे कमेंट करके जाना, लाइक करके जाना भाई, सब लोग बताइए कैसा लगा, इस तरह का कंटेंट चाहते हो मैं पढ़ाता रहूं, तो मुझे इनकरेज कीजिए, सब जगह शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।